फाइनली मैंने कार का टायर लगवा लिया। मैं उस्ताद से बनवाता हूँ अपने मिस्त्री से, उसको मैंने सारा बताया कि सल्फ भी जल गया, ये भी हो गया। तो उसने कहा सुबह 9 बजे मुझे आके कार दे दो। तो यार पहले इस कार का भी मोबिल चेंज करवा लेने, वहीं से उस्ताद को कॉल की, उस्ताद दुआ लवल, उस्ताद ने तो मुझे चक्कर दिला दिए, सल्फ ही 12,000 रुपये गए। हाँ उस्ताद बना दिया सल्फ, बस थोड़ा सा उस पर फाइनल पे, बाकी आपको मैं चेक करके बताता हूँ। तो यार गाड़ी तो माशाल्लाह ओके हो गई है, एक वो सामने बन रही है, बाकी एक ये बन रही है, मेरे ख्याल में बन चुकी। तो यार मैंने इजी पैसा का ये वीज़ा कार्ड ऑर्डर किया था। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यार फाइनली मैंने कार का टायर लगवा लिया, स्टेपनी पड़ी हुई थी तो मैंने वही चेंज करवा ली। फिलहाल टायर फिर लगवाऊंगा बाद में। तो तकरीबन मैं कल 2-3 घंटे लेट हो गया, सारी दुकानें बंद हो गई थी। फिर मैं गया जिस मैं उस्ताद से बनवाता हूँ अपने मिस्त्री से, उसको मैंने सारा बताया कि सल्फ भी जल गया, ये भी हो गया। तो उसने कहा सुबह 9 बजे मुझे आके कार दे दो, फिर शाम को ले जाना। तो अभी सुबह 9 बजे मैंने गाड़ी दे दी थी जाके, तो अभी तकरीबन 7:30-8 बजने वाले हैं। तो फिर अभी चलते हैं, देखते हैं कि गाड़ी का कितना काम हुआ कितना नहीं। जब तक मैं गाड़ी का देखने जाता हूँ कि क्या सिस्टम बना है, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, फिर आपसे वहीं चल के मिलते हैं। कार की ट्यूनिंग हो गई, सबकी ट्यूनिंग हो गई, सिर्फ मैंने अपनी ट्यूनिंग नहीं करवाई। पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती होती है यार, सोचता हूँ कि अब बस 2-3 दिन में अपने बाल वगैरह भी ओके करवाऊँगा। खैर बाल तो 2-3 दिन में नहीं होते, मतलब मेरी दाढ़ी माशाल्लाह 2-3 दिन में ही आ जाती है ना, मतलब हल्के हल्के बाल आ जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ अब हर हफ्ते बनवाऊँगा, यकीन करो जाना ही नहीं होता, पता नहीं क्या सुस्ती होती है। खैर अभी चलते हैं, पहले कार का देखते हैं, फिर फारिग वारिग होगी एंड में इंशाल्लाह अपनी भी ट्यूनिंग करवाएंगे। अपनी गाड़ी लेने अल्लाह करे बन गई हो। तो यार पहले इस कार का भी मोबिल चेंज करवा लें, फिर चलते हैं अपने मिस्त्री पे, देखते हैं कि हमारी कार का कहाँ तक पहुँचा है काम। कहाँ तक पहुँचा काम? 200 मीटर हो रहा है। हेलो, इस गाड़ी में तो मोबिल डल गया है। मैंने वहीं से उस्ताद को कॉल की, उस्ताद दुआ लवल, उस्ताद ने तो मुझे चक्कर दिला दिए, एक गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, एक उस्ताद ने कहा कि भाई सल्फ जला हुआ है, सिर्फ सल्फ ही 12,000 रुपये गए, बाकी सिस्टम तो अलग है, वहीं चक्कर आ रहा है मुझे। खैर अभी देखते हैं कि क्या सीन करा है उस्ताद ने। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करवाओ उस्ताद, ऐसे नहीं करो, अभी चलते हैं। हाँ उस्ताद बना दिया सल, ए चुप्पे, उस पर फाइनल पे, बाकी आपको मैं चेक करके बताता हूँ। ट्रेनिंग वेनिंग ओके हो गई? ट्रेनिंग देखिए माशाल्लाह इंजन 0 मीटर हो गया। बाकी जगह पे देखिए आप जो मट्टी जिस पर हमने काम किया देखा सबसे ज़्यादा वही चमक रहा है। इसका उसका तो पकड़ना यार। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या हुआ मीटर को पता ही नहीं चलेगा, चल चलान पे हुआ मेरे लिए, लेकिन पेट्रोल का नहीं पता चलेगा ना। तवक्कल अल्लाह करके चलते रहे, हाथ में झुरी लेके घूम रहे हैं। उस्ताद का जी कामयाब तो ओके हो गई है, बाकी अब ये सीन है कि सल्फ का मेरे ख्याल में सल्फ भी बन गया, लेकिन अब ना मीटर की जो है ना ये रेस वगैरह नहीं जा रही, ना पेट्रोल का बता रहा है ना ये रेस वगैरह का बता रहा है, कह रहा है कंप्यूटर से चेक होगी। बाकी सल्फ मेरे ख्याल में हाँ निकल रहा है, इसका पानी निकल रहा है भाई जान, ये गीला हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बन चुका है यार। गाड़ी तो माशाल्लाह ओके हो गई है, लेकिन बस अब ये है कि 2-3 काम रह गए, जैसे ये मीटर नहीं चल रहा, जितनी भी आप स्पीड मार दो पता ही नहीं चले, ना पेट्रोल का ना कुछ। तो बस अभी ये कल ये सही करवाना है, फिर मोबिल डलवाना है और टायर वगैरह करवाना है, फिर ये है कि इंशाल्लाह। अब तो खैर आज पहला मुहर्रम भी हो गया, अब ये है कि मैंने सोचा 10 मुहर्रम के बाद ही निकलूँ खैर से ना, तो बस अभी गाड़ी वाड़ी ओके कराते हैं, फिर 10 मुहर्रम के बाद देखते हैं क्या प्लान है। मालिक हाँ भाई कैसे रही गाड़ी की परफॉर्मेंस? सही है, लेकिन यार एसी में थोड़ा ये हो रहा है कि चलते चलते ना मतलब बंद हो रहा है। मैंने आपको यही बोला था, ट्रिप कर रहा है समझो, गैस कम होती है ना गाड़ी के अंदर, तो अमूमन ये होता है कि गाड़ी ट्रिप करती है, तो पहले तो आपको चलाना ही नहीं था, पर मैंने बंद कर दिया ना, अब कल करवाएंगे दिन में, हमें इसकी
गैस चार्ज करवा के फिर नमाज पढ़े या पहले मिल लें इससे? मैं कहता हूँ नमाज पढ़ना बेहतर ऑप्शन है। हाँ चलो नमाज पढ़ लेते हैं, वो भी मस्जिद में ही है। तो यार आपकी भाभी ने सुबह सुबह नाश्ता बना दिया है क्योंकि मुझे जाना है एक जगह मीटिंग करने एक बंदे से, तो फिर उसने 8 बजे का टाइम दिया था लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया, तो अभी जल्दी से नाश्ता करते हैं फिर चल के कहीं चाय वाय पीते हैं फिर चलते हैं उस बंदे के पास, फिर आपसे वहीं मिलते हैं। यार नाश्ता करके मैं थोड़ा सोया, उसके बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई पता नहीं क्या गर्मी सर्द वाला वो सिस्टम हो गया था, फुल नज़ला वगैरह समझो अभी उठाऊँ तो बस अभी चलते हैं फजर पढ़ने, फजर का टाइम हो गया है और यहाँ पर सबीले वगैरह भी लग चुकी हैं, एक वो सामने बन रही है बाकी एक ये बन रही है, मेरे ख्याल में बन चुकी है देखते हैं, एक वो बन रही है फिर यहीं पर ही सारा ताज़िया वगैरह आते हैं सब ना, सारा मेन वगैरह सारा जुलूस यहीं होता है। अभी काम चल रहा है, अभी रहता है काम मेरे ख्याल में। चलो आपसे में देखते हैं पहले ये भी बन रही है, नमाज की देर हो रही है नमाज पढ़ने चलते हैं। बुखार हो जाए मुझे कुछ भी हो जाए, ये बछड़ा कितना प्यारा है। माय गॉड वाओ, ओए होए फ्रेंड कितना प्यारा है। मैं कह रहा था बुखार हो जाए मुझे कुछ भी हो जाए मतलब मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो नज़ला होता है ना यकीन करो ये मुझे झिंझोड़ के रख देता है, कि सबके साथ ही ऐसे ही होता है। खैर बाहर गया गर्मी थी धूप सी फिर वही वाली बातें, एसी में होना तो फिर सबसे पहले मुझे नज़ला ही होता है। तो बस अभी जमात तैयार ही है, बस नमाज़ पढ़ते हैं फिर देखते हैं, बस दिल कर रहा है चाय पीता रहूँ और कुछ ना कुछ खाने का दिल कर रहा है। चलो एक दिन के अंदर आपका भाई स्मार्ट हो गया, खैर नमाज़ पढ़ के आपसे मिलते हैं। तो यार मैंने इजी पैसा का ये वीज़ा कार्ड ऑर्डर किया था क्योंकि आपको पता है ये इजी पैसा में अगर पैसे पड़े हों तो निकलवाना बहुत मुश्किल होता है, शॉप वाले पे जाओ उसके नखरे देखो वे कहता है 10 मिनट रुको, तो मैंने कहा ये कार्ड ही मंगवा लिया जाए। अब चलते हैं एटीएम, चेक करते हैं कि पैसे निकाल भी रहा है या नहीं, वैसे हमारे साथ प्रैंक हो गया है, बाकी सुबह भी हो चुकी है, अभी चलते हैं एटीएम फिर देखते हैं कि कैसे निकलते हैं पैसे। है तो मतलब एटीएम कार्ड की तरह ही, कहा तो यही है कि हर एटीएम से निकलेंगे, अब सामने है एटीएम पता नहीं कौन सी है वो देखते हैं। बाकी ये सभी तो ऑलमोस्ट रेडी है, एक ये रेडी हो रही है एक सामने रेडी हो रही है, फिर यहीं पर ही सारा जुलूस वगैरह होता है 10 मुहर्रम पे 9 मुहर्रम पे ताज़िया वगैरह आते हैं। फिर अभी चलते हैं एटीएम सामने देखते हैं क्या सीन है, दो दो हैं मतलब यहाँ से भी हैं वहाँ से भी हैं। ओए होए सच चिल्ड हो रहा है, यही सोच रहा हूँ ₹1000 निकाल के देखते हैं। नो बाबा नो, हमें नहीं चाहिए, ये क्या चक्कर है साईं, गजब बेइज्जती है। चलो निकल जाओ इतना लेट, आए 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 ओ वाओ अच्छा सीन हो गया, लेकिन नोट कड़क नहीं दिया यार इन्होंने, दिल तो कर रहा अंदर ही बैठ जाऊं क्या।
के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।